पप्पू के बंगला खाली करने से बेहद दुखी है अखिलेश। दुख की वजह सुन पप्पू के होश उड़े। आई नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार टीपू, नमस्कार। सुनाओ कैसे हो, कैसे आना हुआ? आई बस मैंने खबर सुनी और आपसे मिलने चला आया। मिलने का बड़ा मन हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया। अरे आप कौन सी खबर सुन ली टीपू? अरे राहुल जी सारे मीडिया चैनल चला रहे हैं कि आप बेघर हो गए हैं, बेघर, इसलिए आपसे मिलने चला आया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो टीपू। मैंने सरकारी बंगला खाली किया लेकिन अभी तक मुझसे कोई मिलने नहीं आया। तुम पहले शख्स हो जो मुझसे मिलने आए हो। अरे राहुल जी क्या बताऊँ, दुख ही मुझे इतना हुआ ना कि मैं बस रह नहीं पाया। कोई नहीं अखिलेश, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मेरा बंगला खाली होने से तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अरे राहुल जी आप गलत समझ रहे हैं, आपके बंगला खाली करने में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो फिर दुख किस बात का है टीपू? दुख इस बात का है कि आपने बंगला खाली कर दिया और मुझे बताया भी नहीं है। अरे भैया मैं बताकर भी तुमको क्या कर लेता टीपू, मुझे तो खाली करना ही था। राहुल जी बता देते तो अच्छा होता, कम से कम 2-4 टोंटी वो तो मेरे हिस्से में आ जाती, मेरे हाथ लग जाती, कुछ तो मेरा फायदा होता। अब टोंटी ना मिलने का दुख मुझे बहुत सता रहा है, बहुत ज्यादा है।